हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इसके पहले हम लोग वैकेशन के पहले आई मीन लीव के पहले हम क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, आज यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है। बेसिकली सेकंड चैप्टर क्या है, स्केलर एंड वेक्टर है, और फर्स्ट चैप्टर जो है क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड क्या है एरर्स वगैरह इसमें हम पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन, पहले हम यूनिट पढ़ेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा क्वांटिटीज जिसका यूज फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आई मीन दोज क्वांटिटी which are used, those quantities which are used to define the law of physics are called physical quantities. क्या होता है, are called physical quantity. तो हम बोल सकते हैं कि क्या है कि कुछ ऐसे, देखो क्या है, तो हम लिख सकते हैं पहले physical क्वांटिटी। इसका भी क्या है, इसका भी जो यूज है, देखो यूनिट डायमेंशन का जो यूज है वो पूरे फिजिक्स में है। बिना आपको ही मालूम है कि बिना यूनिट का कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी क्वांटिटी जब हम लिखते हैं तो उसमें यूनिट की जरूरत होती है। डायमेंशन न्यू चीज है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन यूनिट तो आप जानते ही हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन का जो यूज है पूरे फिजिक्स में हर जगह, ये यूनिट आप जानते हो। डायमेंशन जो है, जब आप पूरे फिजिक्स पढ़ जाओगे तो आप डायमेंशन खुद से लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको क्वांटिटीज, ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज क्या लिखेंगे इसको, those quantities which are used to define the law of physics, those quantities which are used to define the law of physics are called physical quantity. वैसे क्वांटिटी जिनका यूज फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक क्या है, आप लोगों ने भी देखा था कि क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, और एक रेशियो भी होता है, ठीक है, रेशियो भी होता है या टेंसर भी होता है। उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा, एक को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई मीन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को तीन पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, या उसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है, वैसा क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटी का हेल्प नहीं लिया जाए, वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या है, दोज क्वांटिटीज which are defined by themselves, है ना, या those quantity for their definition there is no need of other quantities are called fundamental quantities. वैसे quantities जिनको define करने के लिए दूसरे quantities का help नहीं लिया जाए, वैसे quantities को हम क्या बोलते हैं, fundamental quantities बोलते हैं, ठीक है। derived quantities क्या, fundamental quantities क्या है, जितने भी fundamental quantities हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं,
आई मीन एक क्वांटिटी जो होगा वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वांटिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उसको, डिराइव्ड क्वांटिटी। आई मीन वैसा क्वांटिटीज जो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिराइव किया जाए या डिफाइन किया जाए, वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप मान लो फोर्स, तो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखो फोर्स जो है वो मास और एक्सीलरेशन के यूज करके हम क्या किए हैं, क्या किया गया है इसको, डिफाइन किया गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कई तरह के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हैज बीन डिराइव बाय यूजिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। उसी तरह आप लीनियर मोमेंटम ले लें, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। लेकिन मास, मास क्या होगा यहाँ, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि मास को डिफाइन, मास जो है वो किसी दूसरे क्वांटिटी को यूज करके डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे टाइम हुआ, लेंथ हुआ है ना, करंट हुआ, टेम्परेचर हुआ है ना, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आई मीन क्या हुआ, मोल हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे चीजें जो है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर किया गया है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज नेवर डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, ठीक है। डिराइव क्वांटिटीज के लिए क्या है, वो जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में जनरली क्या होता है, एंगल आता है। तो आप लोगों ने अभी तक, या मैंने भी जब बेसिक्स मैथ पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि एंगल जो होता है वो, मैं एक ही बताया था क्या होता है, प्लेन एंगल बताया था है ना, और उसका मेजरमेंट बताया था। यहां जब हम पढ़ेंगे तो दो एंगल पढ़ेंगे, एक होता है प्लेन एंगल और एक क्या होता है, सॉलिड एंगल। क्या होगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो एंगल्स को क्या किया, क्या बताया गया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बताया गया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, वन इज कॉल्ड प्लेन एंगल एंड अदर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल आप डिटेल में कहां पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे, आई मीन 12 में, तो वहां हम जब फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो वहां सॉलिड एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि देयर आर, क्या है, देयर आर, यहां लिखेंगे कि देयर आर, देयर आर क्या, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। पहला जो है वो क्या है, पहला जो है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, फंडामेंटल है ना, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, क्या है कि दिस क्वांटिटीज नेवर डिपेंड ऑन, दिस क्वांटिटीज नेवर डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। तो पहला तो ये पॉइंट आपको लिखना है, या क्या है, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are, which are defined, defined without, without help of
हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी. क्या है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइंड विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड या आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. आई मीन क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज नेवर डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी. ठीक है समझ में आया ना. आई मीन नेवर डिपेंड ऑन ईच अदर ऐसे ही बोल सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं फंडा क्या लिख सकते हैं. अब यहाँ लिख सकते हैं अगला जो पॉइंट होगा क्या इसमें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज नेवर डिपेंड ऑन ईच अदर. कभी वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे ये पूछा जा सकता है. तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है इसके बाद अब देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो जिसको हम क्या बोलते हैं यहां फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी भी लिख लेना और बेस. ठीक है तो देयर आर क्या होगा देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी. ठीक है क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है तो देखो ध्यान से क्या क्या है 7 है. पहला जो है वो क्या है लेंथ. क्या है लेंथ. क्या है लेंथ. पहला क्या है लेंथ. दूसरा क्या है मास. इसको हम एल लिखेंगे. यहां क्या लिखेंगे एम. मास टाइम. ठीक है ये आपको याद रखना है लेंथ मास टाइम. उसके बाद क्या है लेंथ मास टाइम कुछ याद है टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम क्या करते हैं जनरली टी और कभी कभी थीटा से भी लिखा जाता है. ठीक है उसके बाद क्या है यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं. टेम्परेचर लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है उसके बाद क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और इसी को हम क्या बोलते हैं मोल. क्या बोलते हैं मोल. क्या है लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसको बोलते हैं. आई मीन इसको कैंडेला ए बेसिकली. ठीक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और जो लास्ट है वो क्या है करंट. क्या है करंट. क्या है करंट. तो लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आई मीन मोल करंट. इस क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में क्या है कंसीडर किया गया है. अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो क्या है किसी दूसरे के मदद से दूसरे के विदाउट हेल्प से क्या किए जाते हैं डिफाइन किए जाते हैं. एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करते. ठीक है लेकिन आप जानते हैं
कि करंट जो होता है वो क्या होता है, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है। तो करंट जो डिफाइन किया गया है वो चार्ज पर यूनिट टाइम से डिफाइन किया गया है। तो यहां करंट जो है वो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों, जबकि अपने को क्या करना चाहिए, चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना चाहिए, है ना। लेकिन यहां क्या किया गया है कि करंट को, जबकि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई मीन चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट, स्टिल वी कॉल्ड करंट एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो आप इसको सोचना, आप बुक में भी ढूंढना, गूगल पे भी सर्च करना, और आपको यदि मालूम चल जाए देन इट्स ओके, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, और नहीं होगा तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने क्वांटिटीज हैं? सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। कितने हैं? सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उनको डिफाइन करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम आते हैं, क्या है दूसरा जो क्वांटिटी है, क्या है? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, तो अगला जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड जो है वो क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, दोज क्वांटिटी डिराइव, सॉरी डिराइव होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज fundamental quantities are called derived quantities. ठीक है, क्या है इसी को भाई, ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत हो, तो वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। दोज क्वांटिटीज which are defined with the help of fundamental quantities are called derived quantities. I mean derived quantities को fundamental quantities के बिना मदद से हम define नहीं कर सकते हैं। जैसे एक example आप ले सकते हो, तो derived quantities बहुत ही हैं physics में, ये कितने हैं, seven quantities जो है, I mean fundamental quantities को छोड़ दो और दो supplementary quantity को छोड़ दो, तो सभी जो quantities होते हैं वो क्या होते हैं, derived quantities होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, derived quantities होते हैं। तो क्या है, those physical quantity which are defined with the help of fundamental quantities are called derived quantities. For example क्या लिख सकते हो, example के लिए आप देख सकते हो कि जैसे simple example लेता हूं जो आपको मालूम है, force equal to क्या होता है, work of force, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम इनटू। तो देखो क्या है, फोर्स जो है वो क्या है, मास एंड एक्सेलरेशन पे क्या है, डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन भी देखोगे तो आपको ही मालूम है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो देखो यहां फोर्स क्या है, मास एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल दे सकते हो,
काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी भी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी, आई मीन स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड। तो मास एंड स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुआ, डिराइव क्वांटिटी होगा। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी डिराइव क्वांटिटी होगा, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम को पी से दिए तो पी इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू वी, सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिख दो, है ना। तो देखो यहां भी क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी पे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। तो जितने भी क्वांटिटीज हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जितने भी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत होती है, वैसे ऑल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्वांटिटीज है उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं हम उसको, सप्लीमेंट्री। तो तीसरा जो है क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होते हैं एंगल्स जनरली होते हैं। देखो देयर आर टू, ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, दो तरह के। एक को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको ओमेगा से, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओमेगा, ऐसे सिंबल होता है। तो ये जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो तरह के होंगे, प्लेन एंगल और क्या होगा, सॉलिड एंगल। क्या होगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगा। समझ में आया ना। अब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बाद में बताता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। क्या होगा, प्लेन एंगल आप जानते हैं, सॉलिड एंगल मैं बता दूंगा जब यूनिट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देर आर 2 डिराइव क्वांटिटी, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड रिमेनिंग आर डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है। रिमेनिंग आर क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीजों से क्या है, एसोसिएट होता है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रॉपर एसोसिएटेड यूनिट। क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रॉपर एसोसिएटेड यूनिट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, देखो यहां लिखते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या होगा, यूनिट। ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये अलवेज क्या होगा, याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड जो होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो किसी भी यूनिट में आप देखोगे तो अलवेज क्या होगा, सेम रहेगा, है ना, क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट विल ऑलवेज रिमेन क्या होगा सेम। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करो तो ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, बाद में इस पे हम सम भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा कि n इंटू आई मीन न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू क्या होगा यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा आई मीन डिफरेंट, कोई भी यूनिट कंसीडर करो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ एन को यदि लिखें, देखो ध्यान से एन को लिखें क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से लिखें और यूनिट को यू से, तो हम लिख सकते हैं एन इंटू यू इज इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट, आई मीन न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू क्या होगा सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका बहुत यूज होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब डायमेंशन पढ़ जाएंगे तो वहाँ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि क्या होगा मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लिखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, आई मीन क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड स्पेसिफिक यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट विल ऑलवेज रिमेन क्या होगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी इस पे पूछा जाता है। तो n को हमने क्या लिखा है स्मॉल n को न्यूमेरिकल वैल्यू से, u को हमने क्या चीज कंसिडर किया है यूनिट, तो n इंटू यू इज ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टेंट, आई मीन n1 u1 इक्वल टू क्या होगा n2 इंटू, ऐसे लिख सकते हो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, n1 u1 n2 u2 इज ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट आप देखो क्या है कि यदि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, मैं बोलूं कि 2 लिख दिया हूं 2 3 4 5, तो आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको क्या मालूम चलेगा, कुछ मालूम चलेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। लेकिन वही हम क्या करें कि व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज एसोसिएटेड विद वेल डिफाइंड यूनिट, तो जब दोनों जो होगा वो क्या होगा किसी एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट, है ना। तो मान लो कि मैंने यहां दे दिया टू, टू सिंपल टू लिख दिया, तो टू से आपको क्या मालूम चलेगा, आप बोल सकते हैं कि नहीं टू के जी मास भी हो सकता है, टू न्यूटन फोर्स भी हो सकता है यार, है ना, टू सेकेंड टाइम भी हो सकता है, ठीक है, टू पास्कल प्रेशर भी हो सकता है, टू जूल एनर्जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम क्या करते हैं व्हेन वी राइट न्यूमेरिकल वैल्यू विथ प्रॉपर यूनिट देन बोथ विल रिप्रेजेंट, देन न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिप्रेजेंट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जब आप क्या करोगे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक प्रॉपर यूनिट के साथ लिखते हो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यूनिट जरूरत होती है। यूनिट आप नहीं लिखोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये टू क्या है, एक ही टू का आंसर कई हो सकता है, कोई बोल सकता है कि फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना, टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, उतना छोटा नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है, जूल हो सकता है, एनर्जी हो सकता है ना, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है कि वेन एवर वी राइट न्यूमेरिकल वैल्यू विथ प्रॉपर या वेल डिफाइंड यूनिट देन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यूनिट हम पढ़ते हैं। तो अब क्या है यूनिट जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कई सारे यूनिट तो होना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए कि यूनिट जो आप डिफाइन कर रहे हो क्या होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए वैलिड होना चाहिए, आई मीन प्लेस टू प्लेस क्या आई मीन ये क्या होना चाहिए इनवेरिएंट होना चाहिए, जो हम यूनिट डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए इनवेरिएंट, आई मीन प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम वैरी नहीं करना चाहिए।
इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, आई मीन यूजली हम क्या करें, या इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इजिली क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि आप उसका यूज आसानी से कर सको। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है कि यूनिट्स को कई पार्ट्स में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। कई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनमें क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि यूनिट क्या होता है। व्हेन एवर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इज एसोसिएटेड विद प्रॉपर यूनिट, देन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिप्रेजेंट या गिव ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज, या रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम क्या देखेंगे कि हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ क्या होगा, यूनिट्स। इसमें बेसिकली क्या है कि इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। अब देखो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट भी होता है, डेराइव यूनिट होता है, बेस यूनिट भी होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, फंडामेंटल और बेस, और क्या होता है दूसरा जो होगा क्या होगा, डेराइव यूनिट होगा, और तीसरा जो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो हम सबको बाद में लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, अब देखो क्या क्या डिवाइड किया है, चार तरह के यूनिट को जनरली क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। क्या किया गया है, चार तरह के यूनिट को क्या किया गया है, कंसीडर। एक क्यों बोलते हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, और इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन यूनिट बोलते हैं। गॉसियन यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं एफपीएस यूनिट, एफपीएस, इसको क्या है, सेंटीग्राम सेकंड, ये फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, और एक क्या है, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, और दूसरा जो है इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो आप जानते भी हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या होता है, इंटरनेशनल, एमकेएस। इसमें लेंथ को मीटर, मास को केजी, और एस को क्या है, टाइम को क्या है, सेकंड में मेजर किया गया है। तो ये क्या है, ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, सेवन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उनको सेवन यूनिट होता है। ऐसा यूनिट में क्या किया, इसी का एमकेएस जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। इन तीनों में क्या है, तीन ही फंडामेंटल यूनिट को कंसीडर किया गया है, और इसमें क्या है, सेवन फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन देखेंगे। तो पहला क्या है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, पहला जो क्या है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दिस क्या है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ मास एंड टाइम आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, आपको समझ में आया क्या कि सीजीएस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन यूनिट भी बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या किया गया है, मास लेंथ एंड टाइम को ही क्या किया गया है, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट कंसीडर किया गया है। क्या किया गया है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट मास लेंथ एंड टाइम आर कंसीडर एज बेस और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसमें तीनों को क्या किया गया है, बेस और फंडामेंटल यूनिट क्या है, कंसीडर्ड किया गया है। और क्या है दूसरा पॉइंट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड एंड सेंटीमीटर। तो देखो क्या है, लेंथ
लेंथ जो होगा वो क्या होगा, लेंथ, लेंथ का जो यूनिट होगा, देखो क्या है यहां फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख देता हूं, तो क्या है इसमें लेंथ, इधर लिख देता हूं फंडामेंटल, या यहां लिख देता हूं, है ना, या ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये क्या है, यहां मैं लिखता हूं यूनिट, और यहां लिखता हूं सिंबल, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। आई मीन यूनिट का सिंबल क्या होगा, तो यहां सबसे जो है क्या है, लेंथ है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर, और इसको हम सिंबल क्या देंगे, cm, है ना, मास जो होगा वो क्या होगा, मास को हम ग्राम में लिखेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, gm, टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम का जो क्या है यूनिट है वो क्या होगा, सेकंड होगा, या एस लिखते हैं, ठीक है, सिंपल एस, स्मॉल एस, ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें क्या है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में थ्री क्वांटिटी फंडामेंटल जो क्या है, मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया गया है। मास को क्या चीज में हम मेजर करेंगे, ग्राम में, लेंथ को क्या चीज को मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम को क्या चीज में मेजर करेंगे, सेकंड में, टाइम को क्या चीज में मेजर करेंगे, हम सेकंड में मेजर करेंगे। दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, बाद में हम देखेंगे कि सीजीएस से कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखेंगे, नहीं यहां से यहां, यहां से यहां हम कैसे जाएंगे, तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस, क्या होगा, एफपीएस, दूसरा जो है क्या है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसमें भी क्या किया गया है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, देखो ध्यान से, इसमें भी इन दिस, इसमें भी मास, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया गया है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट मास, लेंथ एंड टाइम, या ऐसे लिख देते हैं, लेंथ ऐसे लिख दो, लेंथ, मास एंड टाइम are considered as fundamental units, ठीक है। क्या है, अब लेंथ को फीट में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मास को क्या करेंगे, पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को क्या चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो मास यहां क्या है, मास, अब देखो यहां भी मैं लिख देता हूं, अगेन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें क्या है, यूनिट, और यहां मैं लिखता हूं सिंबल, ठीक है। तो यहां भी क्या है, तो मैंने क्या बताया, लेंथ को क्या चीज में मेजर करेंगे, फीट में, तो लेंथ को, और इसको क्या लिखेंगे, एफटी, ठीक है, मास को पाउंडल, नहीं पाउंड, और इसको लिखते हैं एलबी, स्मॉल एल, ठीक है। और तीसरा जो होता है टाइम, टाइम हमेशा सेकंड में ही लिखते हैं, टाइम को क्या लिखेंगे, सेकंड,
और इसको क्या लिखेंगे स्मॉल एस। तो क्या है इसमें आई मीन एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या लिखेंगे मास को क्या लिखेंगे सॉरी लेंथ का जो यूनिट होगा वो फीट होगा, मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा पाउंड होगा, और टाइम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा सेकंड होगा। सिंबल क्या है एफटी एलबी और क्या है एस। ठीक है एलबी आई मीन एफटी एलबी एंड क्या है एस। तीसरा जो यूनिट है वो क्या है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा मास आई मीन लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। क्या टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तीसरा जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं एमकेएस। सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है अगेन इसमें भी क्या है मास लेंथ एंड टाइम को या इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं क्योंकि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है जो एसआई यूनिट में सेवन फंडामेंटल यूनिट को कंसीडर किया गया है। एमकेएस में क्या है थ्री को ही कंसीडर किया गया है। तो एमकेएस इन दिस अगेन क्या होगा इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है लेंथ मास एंड टाइम आर कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट। ठीक है क्या है फंडामेंट। अब इसमें क्या करते हैं देखो एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, और एस का मतलब क्या होगा सर आई मीन मास जो होगा वो क्या चीज में सॉरी लेंथ जो होगा वो क्या है मीटर में मेजर किया जाता है। क्या चीज में मीटर में मेजर किया जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं केवल इसी में यहां आप लोग लिख सकते हो कि इसमें क्या होगा लेंथ जो होगा वो क्या होगा मीटर में मेजर किया जाएगा। आई मीन इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा एम होगा। ठीक है मास जो होगा क्या है केजी किलोग्राम किलोग्राम में क्या है मेजर किया जाता है, और इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं क्या है केजी, और टाइम को हम क्या चीज में मेजर करते हैं सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। अब इसके बाद एक और करंट के लिए क्या है एक और दो पॉइंट यहां लिखना है। तो ये चीज आप लिख लेना। हाँ इसके बाद हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट चौथा जो क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं हम उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल क्या है जितने भी यूनिट्स किया गया डिराइव आई मीन कंसीडर किया गया है या उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। क्यों क्योंकि ये जो यूनिट है वो हर जगह यूज होता है। ठीक है सभी भी अभी जितने भी हमने यूनिट्स पढ़ा उसका हर जगह यूज होता है, लेकिन किसी सिस्टम ऑफ यूनिट का कहीं ज़्यादा यूज होता है, किसी सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या है कहीं कम यूज होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये जो आप यूनिट यूज हम करते हैं हर जगह सेमी यूनिट होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है तो अब देखो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या किया गया है इसमें देर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स को कंसिडर किया गया है। क्या है देर आर तो हम लिख सकते हैं दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज क्या होगा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ क्या होगा यूनिट। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट देयर आर सेवन
फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें क्या किया गया है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर किया गया है। अब देखो क्या क्या होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, पहले लिख रहा हूं लेंथ। देखो यहां फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं, या यहां लिख देता हूं क्योंकि शायद यहां लिखता हूं, ठीक है। तो ये किसका है, ऐसा यूनिट जो है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसका क्या एक्सटेंडेड वर्जन है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यूनिट, और यहां यूनिट का सिंबल ध्यान देना है, ठीक है। यहां क्या है, यूनिट का सिंबल, ठीक है। अब पहला जो है क्या है, लेंथ, लेंथ इसको हम एल से लिखेंगे यार। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एम होगा, ठीक है। दूसरा जो क्या है, मास, मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, नहीं स्मॉल एम से नहीं, कभी कभी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केजी, आई मीन किलोग्राम, और इसको हम लिखते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में केजी। तीसरा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टाइम, टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, एस ई सी और सिंपल एस भी लिखते हैं, ठीक है। चौथा जो होगा टेम्परेचर, कैपिटल टी, इसका जो यूनिट होता है केल्विन, और इसको कैपिटल के से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और पर डिग्री सेल्सियस भी, लेकिन ऐसा यूनिट यही होता है, केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था क्या कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है यूनिट, कैंडेला, सी एन डी ई एल ए। ये आगे जैसे जैसे पढ़ोगे ये सब चीज पढ़ना है, और इसको हम सी डी लिखते हैं, स्मॉल सी डी, ठीक है। तो कितने हुए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या होता है, एक जो अगला जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस इसको मोल इसका यूनिट होता है, और सिंबल जो होगा वो क्या होगा, एमओएल। और एक जो लास्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट, जो लास्ट जो होगा वो क्या होगा, करंट। तो करंट होता है अगला जो 7 जो यूनिट है, करंट, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पीयर, और इसको सिंबल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, क्या है, सप्लीमेंट्री अब देखो क्या होगा, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है ये बेसिकली क्या होगा, एंगल के लिए। तो प्लेन एंगल के लिए एंगल थीटा, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, रेडियन, और डिग्री भी हम यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, रेडियन, और डिग्री भी हम लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एसटी रेडियन, और सिंपल क्या लिखते हैं, एसआर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो एंगल जिसमें मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग,
सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो यही क्या हुआ, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हुआ। और इसी यूनिट को यूज करके जो हम यूनिट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जूल सेकंड, तो क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट होगा। तो डिराइव्ड यूनिट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल यूनिट को ही यूज करके हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, प्लेन एंगल और क्या होगा, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन और डिग्री में मेजर करते हैं, जबकि सॉलिड एंगल को क्या चीज में हम मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एस्टे रेडियन। क्या होता है, एस्टे रेडियन। ये केवल आप ये देखो क्या होगा, ये याद रखना है नोट में, क्या होगा कि जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। केवल आप याद रख लेना ये दो पॉइंट, क्योंकि देखो आप सिंपल देख लोगे, बाद में भी मैं बताऊंगा कि आपसे पूछा भी जाएगा कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं फिजिक्स में जिनका डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एंगल्स है, आइदर प्लेन एंगल हो और क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। तो पहले मैं प्लेन एंगल आप लोग जानते ही हैं, तो देखो क्या है, ये कोई प्लेन एंगल, आई मीन क्या है, कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क है, है ना। तो जितना सेंटर पे एंगल मान लो थीटा सबटेंड कर रहा है, इसका आर्क लेंथ क्या है, एल है, और इसका रेडियस क्या है, आर है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, बाद में मैं ये बताऊंगा दोनों में जस्ट। तो यहाँ आप देखोगे कि क्या होगा, प्लेन एंगल जो हम जनरली क्या करेंगे, तो यहाँ जब हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा है रेडियन, डिग्री मत लिखो नहीं तो ये हो जाओ कन्फ्यूज। ठीक है, रेडियन में ही हम यूज करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ देखो थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, आर। आई मीन क्या होगा, किसी भी आर्क लेंथ के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है उसको, अब यहाँ मैंने डेफिनेशन भी बताया था, ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ के द्वारा किसी इसके आई मीन आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पे जब एंगल सबटेंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। दिस इज नथिंग बट द प्लेन एंगल। आई मीन ये क्या है, प्लेन एंगल क्या होता है, देखो ये क्या है, सॉलिड एंगल जो है वो 3D एंगल होता है, ये क्या हुआ, प्लेन एंगल बोलते हैं। ये देखना L अपॉन, देखो ये बाद में मैं बताऊंगा कि L अपॉन R, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L, तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होता है। तो क्या होगा, प्लेन एंगल जो होगा, प्लेन एंगल याद रखना इस, बाद में आपको मालूम चल जाएगा, A क्या होगा, डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है, सॉलिड एंगल। जैसे देखो ये कोण आप समझो, जैसे मान लो कि ये क्या है, देखो यही कोण आपको मालूम है, ये सिंपल कोण है, कोण है ना। अब एक यहां कहीं क्या होगा, पॉइंट होगा यहां, ये कोण जो होगा क्या होगा, एक कोण का जो बेस होगा, कोण मत समझो, एक सरफेस समझो, है ना, ये सरफेस है ऐसे, क्या है, एक सर्कुलर प्लेन है, ये सर्कुलर प्लेन है। इसके द्वारा देखो यहां जब आप एंगल ध्यान से देखोगे, इस सरफेस के द्वारा जो यहां एंगल बनता है वो पॉइंट पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, सिंपल। तो क्या है ये, जो क्या है सॉलिड एंगल जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, 3D कॉन्सेप्ट है। तो यही क्या हुआ, सरफेस, और ये वाला एंगल, तो हम बोल सकते हैं एंगल, एंगल सबटेंडेड 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 एट ओ ड्यू टू गिवन सरफेस इज कॉल्ड, क्या होगा, कॉल्ड सॉलिड एंगल। यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ क्या होगा, और भी चीजें हम इसमें देखेंगे, जस्ट ये सॉलिड एंगल केवल याद रखना कि इसी को हम क्या बोलते हैं, आई मीन किसी भी सरफेस के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। आई मीन एक कोण मान लो, कोण के एपेक्स आई मीन वर्टेक्स पे जो कोण के बेस के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल, ठीक है,
अब क्या होता है, सॉलिड एंगल जो होता है सिंपल आप देखना, ये क्या होगा एरिया ऑफ द बेस अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। सिंपल, इवन मैं हो सकता है गलत भी अभी बता रहा हूं, लेकिन सिंपल आपको ये याद रखना है। बाद में जब मैं सॉलिड एंगल डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आर जो होना चाहिए वो एरिया पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो हम कंपोनेंट भी लेते हैं। तो ये क्या होगा एरिया ऑफ द क्या होगा सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस, और ये क्या हुआ डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस सिंपल मैं लिख देता हूं, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम ओ। तो देखो एरिया, देखो इसका भी यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आई मीन हाँ इसका, तो ये प्लेन एंगल इज ये क्या होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंड यूनिट क्या होगा यूनिट, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल अभी बताया था क्या होगा प्लेन एंगल क्या होगा रेडियन होगा, जनरली फिजिक्स में हम रेडियन ही यूज करते हैं। तो क्या होगा सॉलिड एंगल भी क्या होगा, यहां देखो सॉलिड एंगल इज अगेन डायमेंशन, अगेन सॉलिड एंगल इज डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट अभी बताया था, यूनिट क्या होगा, यूनिट इज क्या होगा एस टी रेडियन, आई मीन क्या होगा एस, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो जस्ट एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ किसी भी सरफेस के द्वारा, आई मीन ये सरफेस है तो ये ज्वाइन करोगे तो कोन बनेगा, तो कोन इस कोन के बेस के द्वारा जो एपेक्स पे एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल के पास बारे में बस इतना ही। तो इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में आपसे पूछा भी जाता है एक क्वेश्चन बहुत बार, क्या कि कुछ ऐसे भी आप फिजिक्स में ऐसे क्वांटिटी को बताओ जिनका क्या है डायमेंशन क्या है, वो डायमेंशन लेस है और क्या है उनका यूनिट है। तो ऐसे क्वांटिटी क्या होंगे एंगल्स होंगे, आइदर क्या होगा प्लेन एंगल और क्या होगा सॉलिड एंगल, बोथ आर क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट दे हैव यूनिट। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा रेडियन है ना, और एसटी यूनिट का क्या होगा, इसको हम आर ए डी में हमने स्मॉल फॉर्म नहीं लिखा आर ए डी भी लिखते हैं, देखो आर ए डी रेडियन, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है एसटी रेडियन होता है। आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ मैं आप लोगों को आज पीडीएफ भेज दूंगा, आप सेंड कर दूंगा, केवल आप ये मास का डेफिनेशन जो है और याद करना है, आप एक बार लिख लेना नोटबुक का मास हुआ, टाइम का डेफिनेशन हुआ, लेंथ का डेफिनेशन हुआ, तो आप एक बार डेफिनेशन देख लेना खुद से, उसको रीड कर लोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैं डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे जैसे जैसे पढ़ोगे तो डेफिनेशन आपको मालूम चलेगा, लेकिन कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन जनरली फिजिक्स में नहीं आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको रीड जरूर कर लेना कि मास का डेफिनेशन क्या होगा, लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा, टाइम का डेफिनेशन क्या होगा, करंट जानते हो, टेम्परेचर आप जानते हो, मोल भी आप लोग जानते हैं, तो दो तीन क्वांटिटी है बेसिकली क्या है मास लेंथ एंड टाइम, उसको कुछ टर्म में कोरिलेट किया गया है तो उसको आप देख लेना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में, क्योंकि वो सबसे आसान है, ठीक है। ओके थैंक यू कितना है?